Hello students, I am Pratpal Singh, your current maths faculty, and we are here studying pair of linear equations. We are studying number systems, and this is class 9, this is your lecture 3, and in today's lesson we'll discuss real numbers and their decimal expansion. Okay, so we have already discussed what are real numbers. In this lecture we have to see their decimal expansion. So for that, to understand them more nicely, we'd consider three examples. First of all, tell me what is the decimal expansion of 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7. Pause the video here and go and find out the decimal expansion of these three. 10 by 3, 7 by 8 and 1 by 7. Okay, I trust you have paused the video by now. So here you go. Now we have find out the डेसिमल एक्सपेंशंस. हमने 10 बाय 3 का डिवीजन निकाल लिया और हमने देखा कि व्हेन 10 इज डिवाइडेड बाय 3 वी गॉट 3.333 एंड सो ऑन. एंड 7 बाय 8 दैट इज 0.875 एंड व्हेन वी डिवाइडेड 1 बाय 7 वी गॉट 0.142857 एंड दिस इज ऑल्सो रिकरिंग. सो नाउ एज ऑफ यू हैव फाउंड द डेसिमल एक्सपेंशन, ऑब्जर्व थ्री थिंग्स. पर ऑब्जर्व करना चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे आपको क्या तीन चीजें आपने ऑब्जर्व की, सोचो. देखिए, फर्स्ट थिंग व्हाट वी सॉ इज दैट आइदर द रिमाइंडर बिकम्स जीरो और इट इज नेवर बिकमिंग जीरो. ओके, फर्स्ट थिंग आपने देखी होगी, यहाँ पर अगर जीरो आ गया सो देन इट वुड बी जीरो फॉर ऑलवेज, मतलब जीरो ही आएगा. ऑफकोर्स जीरो आएगा तो वहाँ पर डिवीजन रोक देते हैं, दैट इज़ रूल. यहाँ तो डिवीजन के बाद जीरो कभी नहीं आएगा, दिस इज़ वेरी क्लियर. एंड सेकेंड थिंग, वॉट डू यू ऑब्जर्व एक्सेप्ट दैट. फर्स्ट सोचो बच्चों, वेरी गुड. तो सेकेंड थिंग दैट यू हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट इफ द रिमाइंडर is less than the quotient, then what then the remainders are repeating themselves. See very nicely, as in this example we see that 1 is continuously repeating and it is indisputed that 1 is always less than 3. सिमिलरली इन दिस एग्जाम्पल सेट ऑफ रिमाइंडर्स इज रिपीटिंग. इसके आगे आप जाओगे तो दोबारा से रिपीट होने लगेगा. एंड विल सी दैट 3, 2, 6, 4, 5 एंड 1 आर ऑल लेस देन 7 और 7 इज ऑलवेज ग्रेटर देन देम. सो कैन वी से इफ द रिमाइंडर्स रिपीट देन दिस विल हैपन ओनली वेन इफ दे आर लेस देन द क्वेश्चन, राइट? Yes, they are less than the divisor. Okay, so this is a thing and this is the second thing. Okay, you write it in words. And the third thing we observed is when the remainders are repeating, then this value over here is also repeating, right? True or not? Observe karo very carefully. Aap koi aur example bhi le sakte ho. So these are the three things we observed. तो यहाँ तक क्लियर है? दीज आर द थ्री थिंग्स आई टोल्ड यू. इफ द रिमाइंडर्स रिपीट देन द क्वेश्चन ऑल्सो स्टार्ट्स रिपीटिंग इटसेल्फ. नाउ अभी तक हमने देखा कि जब अपन किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से, तो आइदर द रिमाइंडर वुड बी जीरो और इट वुड बी नॉन जीरो. इफ इट वुड बी जीरो देन देर इज नो केस ऑफ टॉकिंग एनीथिंग फर्दर रिगार्डिंग रिमाइंडर एंड क्वेश्चन. बट इफ इट वुड नॉट बी जीरो देन वी वुड चेक द रिपीटिविटी ऑफ द रिमाइंडर्स. इफ दैट इज रिपीटेटिव देन द क्वेश्चन वुड ऑल्सो बी रिपीटेटिव. अगर ये रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे होंगे तो क्वेश्चंस भी रिपीट होंगे, और अगर क्वेश्चंस ही रिपीट रिमाइंडर्स ही रिपीट नहीं हो रहे तो क्वेश्चंस भी रिपीट नहीं होंगे. बट नाउ हियर वी सी टू थिंग्स. अगर ये रिपीट हो रहे हैं तो क्यूरियोसिटी आई होगी कि ये कैसे रिपीट हो रहे हैं. अगर किसी ने बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया तो वो क्या बोलेगा कि यहाँ पे एक ही नंबर रिपीट हो रहा है, बट यहाँ पे अ सेट ऑफ वैल्यूज इज बीइंग रिपीटेड. यहाँ से आप आगे जाओगे तो अगेन हियर द रिमाइंडर वुड बी 7 and you'd get the remainder as 3, and then again this chain would repeat. 3 would come here, so this would come again. I can write it blindly because I have already done that in rough, right?
तो दो चीजें आएंगी, इफ द रिमाइंडर और इफ वी कैन से इफ द क्वेश्चन इज रिपीटिंग इट सेल्फ, देन टू थिंग्स. फर्स्ट आइदर इट वुड बी आइदर इट वुड रिपीट द सेम टर्म और इट वुड रिपीट डिफरेंट टर्म्स और अ सेट ऑफ वैल्यू. सो वी कैन से दैट दिस इज अ नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन. ये टर्मिनेट हो ही नहीं रहा. हमें पता है हम टर्मिनेट तब कहते हैं जब रिमाइंडर जीरो ज़्यादा, और नॉन टर्मिनेटिंग तब कहते हैं जब रिमाइंडर जीरो नहीं होता. सो आई वॉज नॉट यूजिंग दीज टेक्निकल टर्म्स बिकॉज मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को कितना पता है. ओके, सो दैट्स वाई हमने इतनी पंचायत की अभी तक. ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ऑल यू नीड टू नो इज दीज टेक्निकल टर्म्स. दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस एंड बोथ ऑफ दीम एंड बोथ ऑफ देम आर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस, ऑफ विच दिस वन इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग. And surprisingly enough, this is also non-terminating recurring, right? And so this example, when the different values are repeating, iska example apan ko kuch aur dena padega. Suppose when non-terminating and non-recurring, here this repetition of different terms is called non-recurring of the terms. Iska example aga 0.1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 and so on, or for example pi or for example root 2. Inke decimal expansions bhi agar aap dekhenge, so it would be non-recurring, and if it is non-recurring that is implied that it is non-terminating. That is why it is non-recurring. Okay, but when we see but when we see 10 by 3, so its decimal expansion is non-terminating but recurring. So it is so it could be represented on the number line. Okay, so far clear. ये चीज़ अभी हम प्रूव भी कर देंगे कि जिस भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग और रेकरिंग, देन दोज नंबर्स कुड बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन. ओके, एंड दोज नंबर्स एंड द नंबर्स which do not have a decimal expansion which is non-terminating and recurring cannot be expressed on the number line. Let's see how. So मैं पहले आपको सिर्फ यही बताने वाला था कि इसका प्रूफ, बट नाउ विल सी दैट हाउ टू रिप्रेजेंट एवरी टाइप ऑफ दिस इन ऑल दिस केसेस. हाउ कैन वी एक्सपैंड द डेसिमल्स? फॉर एग्जाम्पल द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग. कंसिडर एन एग्जाम्पल दैट इज गिवन इन योर बुक ओनली. दिस इज एग्जाम्पल 6. कि शो दैट द नंबर 3.142678 कुड बी एक्सप्रेस्ड इज अ रैशनल नंबर एंड कुड एंड हेंस कुड बी एक्सप्रेस्ड ऑन द नंबर लाइन. सो सिंपली वी कैन राइट 3.142678. वी ऑल नो दैट इट कुड बी रिटन एज 3.3124 3142678 डिवाइडेड बाय 10000 एंड अगेन 20. ओके, एनी प्रॉब्लम टिल हियर? इतना तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा ही है. एंड दस वी कुड से इट इज रैशनल बिकॉज वी ऑल नो दैट अ रैशनल नंबर इज अ नंबर विच कुड बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड इतना बड़ा नंबर इज नॉट इक्वल टू जीरो. सिंपल इनफ. मूविंग फर्दर वी टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. ओके, नॉन रिकरिंग नहीं, पहले अपन लेंगे रिकरिंग. ओके, क्रोनोलॉजी में चलते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग यानी कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीट हो रहा है एक टाइम के बाद. सो लेट्स टेक दिस एग्जांपल कि ये नंबर कैसा है. पहले तो इज दिस रैशनल और नॉट, लेट्स चेक इट आउट. अगर ये पी बाय क्यू के फॉर्म में आ गया ऐसा कि क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, देन वी कैन से दैट दिस नंबर इज रैशनल. So let's check if we could represent it in the form of p by q, q is not equal to zero or not. तो क्या आपको इसकी वैल्यू पता है? किसी को नहीं पता बिकॉज दिस इज 0.3333334
टर्मिनेट कर दिया या फिर 0.33333333314 नो वन नोज बट इट इज 0.3333 एंड समवेयर नियर टू दैट ओके इज डॉट डॉट एक्सप्रेस दैट ओनली सो कैन आई कंसिडर इट एज एक्स वेयर एक्स इज अ वेरिएबल ओके नाउ इफ आई मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10 व्हाट डू आई गेट 3.33 एंड डॉट 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 एंड हियर 10x नाउ यू टेल मी वन थिंग द नेक्स्ट स्टेप आई राइट इज क्लियर टू यू और नॉट कैन आई राइट इट लाइक दिस कैन आई राइट इट लाइक दिस ऑब्वियसली भैया 3.3 प्लस 0.33 गिव्स अस 3.33 ये तो मेरे ख्याल से नर्सरी में ही पढ़ लिया था ओके नाउ दिस इज इम्प्लाइड दैट 3 प्लस एक्स इज 10x पहला स्टेप देखो वी हैव अज्यूम दैट दिस वैल्यू इज एक्स एंड दिस वैल्यू इज एक्स सो 10x इज इक्वल टू 3 प्लस एक्स implies 9x equals 3 and x equals 1 by 3 and what is x? x equals 0.33 and so on implies that this number is expressed in the form of p by q where q is not equal to 0 and hence we prove that this number is a rational number. आपके बुक में कई क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें ऐसा बोला है कि 0.7777 एंड सो ऑन इज अ रैशनल नंबर और 0.77 एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू बट कोई स्मार्ट टीचर होगा या किसी को पेपर अच्छा बनाना होगा तो वो ऐसे पूछेगा ही नहीं ही वुड आस्क यू वेदर दिस नंबर इज रैशनल और नॉट इफ यस गिव इट्स प्रूफ सो दिस इज द वे यू वुड गिव हिम और हर द प्रूफ ओके सो सम मोर एग्जांपल्स ऑफ दिस काइंड ऑफ मेंशन इन योर बुक प्लीज गो थ्रू देम थरली नाउ स्पीकिंग अबाउट नॉन रिकरिंग नंबर्स What do we get? Think over it. इसके अपन decimal expansion के बारे में तो already बात कर ही चुके हैं This in itself is a decimal expansion. But now think over it that is it a rational number or not? जैसे मैंने आपको जब rational number के बारे में बताया था तो I already gave you an example of 0.10110023 and so on. तो ये मैंने आपको वहाँ पर example में भेजा था बट किसी ने क्वेरी नहीं पूछी कि why is this an irrational number because it could not be expressed in the form of p by q and now the question arises why could this not be expressed so it is very simple कि नंबर इतना बड़ा है या इतना ज़्यादा फैल रहा है कि हम इसे कंप्रेस ही नहीं कर सकते ना तो ये रिपीट हो रहा है ना तो मतलब कुछ भी नहीं हो रहा इसका ठीक है ऐसा आज तक मैथमेटिशियंस को कोई वे नहीं मिला कि वो इन टाइप के नंबर्स को इस फॉर्म में डिनोट कर सकें सो दैट इज वाई दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स और इन अ वे वी कैन से एन इरेशनल नंबर हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस फॉर्म दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग ओके सो दैट दिस इज बोथ वे इम्प्लाइड राइट एंड नाउ वी हैव वेरियस क्वेश्चंस on these types only ki express this form or any other form in the form of p by q and prove that these are rationals or not but one interesting example is given in your book that is example 10 which I'm discussing here right away that find an irrational number between 1 by 7 and 2 by 7 so look how to proceed with such problems the approach is very simple that you first find 1 by 7 that is equal to 0.142857 whole bar that it would repeat after this point and 2 by 7 equals 0.285714 bar that is it would repeat after this point so now kya karenge kuch nahi karenge we have got these two numbers and hame pata hai ki agar iske beech mein irrational number pucha hai to iske beech mein koi sa bhi number irrational hoga so you can simply write 0.14 for your safety and 2, 3, 4, 5, 6 and so on whatever or you could write any number greater than this and any number less than this 0.284 and then anything हमने यहाँ पे देखा 284 is 4 is always less than 5 third digit तक and then anything okay 1202 or whatever Okay, so these two are numbers between two irrational numbers. So this way we can find any number of irrational numbers between any two
इरेशनल नंबर्स. ओके, दिस इम्प्लाइज, ये एग्जाम्पल इसलिए ज़रूरी था कि दो इरेशनल नंबर्स के बीच में भी इन्फिनिटली मैनी इरेशनल नंबर्स होते हैं. ओके, मैंने आपको बताया दो रियल्स के बीच में इन्फिनिटली मैनी इरेशनल्स होते हैं, दो रियल्स के बीच में इन्फिनिटली मैनी रियल्स होते हैं. सिमिलरली दो इरेशनल्स के बीच में भी इन्फिनिटली मैनी इरेशनल्स होते हैं. सो दिस इज वेयर वी एंड अप विद दिस टॉपिक. एंड नाउ असाइनमेंट, विच इज एज यूजुअल, यू हैव टू डू ऑल द एग्जाम्पल्स एंड ऑल द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स, दैट इज एक्सरसाइज 1.3, क्वेश्चंस 1 to 9 अप टू दिस पॉइंट. एंड डू सेंड द PDFs टू द व्हाट्सएप नंबर ऑफ स्कूल. ओके, आई नो यू आर गेटिंग द लिंक्स ऑफ दिस वीडियोज थ्रू देयर ओनली, थ्रू दैट मीडियम ओनली. सो प्लीज सेंड इट, टेक इट सीरियसली एंड नेवर फॉरगेट द गोल्डन रूल, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. अंटिल देन, गुड बाय.